प्रेज़ द लॉर्ड, आप सबो के लिए ये गुड न्यूज है मेरे प्रियो की। इसी रविवार से रात 10 बजे मैं लाइव आऊंगा और हम करीब 1.5 से 2 घंटा हम रात्रि प्रार्थना में रहेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपको प्रार्थना करना सिखाऊंगा भी, ताकि आप प्रार्थना योद्धा बन जाएं और आपको किसी के बैसाखी की जरूरत ना पड़े। अर्थात जब आप समस्याओं में हो, शैतान का अटैक हो आपके ऊपर, बीमारी का अटैक हो, कर्ज का अटैक हो, गरीबी का अटैक हो, श्राप का अटैक हो, जादू टोने का अटैक हो, ऐसी स्थिति परिस्थितियों में आप अपने लिए प्रार्थना करवाने को आप किसी और अभिषिक्त को ना ढूंढे, परंतु आप स्वयं जान जाए कि मुझे ये सारी समस्याओं से कैसे निपटना है और उसको कैसे मुझे अपने जीवन से, घर से, परिवार से, नौकरी से, पैसों से दूर करना है और जय प्राप्त करना है और गवाही के साथ में खड़े होना है। मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्रभु, और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप मेरे साथ मिलकर अपने लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा प्रार्थना कैसे करते हैं। मैं उसमें कोई लंबा टीचिंग नहीं दूंगा, सिर्फ हम प्रेयर में ही जाएंगे और प्रार्थना का पैटर्न आप जानेंगे, सीखेंगे कि हमको कैसे प्रार्थना करना है। क्योंकि मेरे लिए बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता। बहुत सारे लोगों के जीवन में जब मुसीबतें आती है, समस्याएं आती है, वो जब परीक्षा में पढ़ते हैं तो वो प्रभु के सामने में रोने लगते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं। वो प्रभु को कहते हैं, प्रभु हमें छुड़ाओ, हमें छुड़ाओ, जबकि वो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले ही क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके, शैतान को हरा करके हमें छुटकारा दिया। उसी को तो उद्धार कहते हैं। हमने उद्धार पाया है, लेकिन बार बार शैतान क्या करता है, हमारे उद्धार को, स्वास्थ्य, आशीष, संपन्नता को बार बार लेने का प्रयास करता है और वो लेने में सफल भी हो जाता है। लेकिन हम उस युद्ध में शैतान को हरा नहीं पाते, क्योंकि बहुत से लोग प्रार्थना करना नहीं जानते। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ समझते हैं कि प्रार्थना यही है, उनको बैठना है, आंसू बहाना है, गिड़गिड़ाना है। ये प्रार्थना नहीं है। हमको प्रभु ने अधिकार दिया है, आत्मिक अधिकार दिया है, और हमको आत्मिक अधिकारों का इस्तेमाल करना है मेरे प्रियो। जो अधिकार हमारे पास है, सामर्थ्य हमारे पास में, उसको इस्तेमाल करना है। दुष्टात्मा को भगाना है, बीमारी भगाना है, कर्ज को दूर करना है, श्राप दूर करना है, पाप का बंधन तोड़ना है, जादू टोने का बंधन तोड़ना है, और ये अधिकार हमारे पास है। हमको गिड़गिड़ाने धोने की जरूरत नहीं है, हमको अधिकार दिया गया है। तो मेरे प्रियो, हम आत्मिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और प्रार्थना करेंगे, और मैं आपको सिखाऊंगा आत्मिक अधिकारों के साथ कैसे प्रार्थना की जाती है। और मैं सच कहता हूँ, मैं आपको सच कहता हूँ, इस प्रार्थना से आप बिल्कुल जुड़िएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा छुटकारा देखेंगे आप अपने जीवन में, घर परिवार, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, मैरिज, बच्चों के जीवन में, पढ़ाई में, बहुत बड़े छुटकारे को देखेंगे आप। दुष्टात्मा से, बीमारी से, कर्ज से, गरीबी से, पाप से, शराब से, नशे से, आप छुटकारे को देखेंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में जब मुसीबतें आती है, समस्याएं आती है, वो जब परीक्षा में पढ़ते हैं तो वो प्रभु के सामने में रोने लगते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं। वो प्रभु को कहते हैं, प्रभु हमें छुड़ाओ, हमें छुड़ाओ, जबकि वो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले ही क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके, शैतान को हरा करके हमें छुटकारा दिया। उसी को तो उद्धार कहते हैं। हमने उद्धार पाया है, लेकिन बार बार शैतान क्या करता है, हमारे उद्धार को, स्वास्थ्य, आत्मिक संपन्नता को बार बार लेने का प्रयास करता है और वो लेने में सफल भी हो जाता है। लेकिन हम इस युद्ध में शैतान को हरा नहीं पाते, क्योंकि बहुत से लोग प्रार्थना करना नहीं जानते।
उसमें क्या करते हैं, वो समझते हैं कि प्रार्थना यही है, हमको बैठना है, आंसू बहाना है, गिड़गिड़ाना है। ये प्रार्थना नहीं है। हमको प्रभु ने अधिकार दिया है, आत्मिक अधिकार दिया है, और हमको आत्मिक अधिकारों का इस्तेमाल करना है। मेरे प्रियो, जो अधिकार हमारे पास है, सामर्थ्य हमारे पास में, उसको इस्तेमाल करना है। दुष्टात्मा को भगाना है, बीमारी भगाना है, कर्ज को दूर करना है, श्राप दूर करना है, पाप का बंधन तोड़ना है, जादू टोने का बंधन तोड़ना है। और ये अधिकार हमारे पास है, हमको गुजराने देने की जरूरत नहीं है, हमको अधिकार दिया गया है। तो इसी रविवार रात 10 बजे से मेरे प्रियो हम आत्मिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और प्रार्थना करेंगे, और मैं आपको सिखाऊंगा आत्मिक अधिकारों के साथ कैसे प्रार्थना की जाती है। और मैं सच कहता हूँ, मैं आपको सच कहता हूँ, प्रार्थना से आप बिल्कुल जुड़िएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा तारा देखेंगे आप अपने जीवन में, घर परिवार, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, मैरिज, बच्चों के जीवन में, पढ़ाई में, बहुत बड़े कार्य को देखेंगे आप। दुष्टात्मा से, बीमारी से, कर्ज से, गरीबी से, पाप से, शराब से, नशे से, आप कार्य को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा ने मुझे ये बोझ दिया है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है कि मेरे लोगों के लिए प्रार्थना कर, और उनको प्रार्थना करना सिखा कि वो प्रेयर वॉरियर बन जाए। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है मेरे प्रियो, और आप तैयार रहें इसी रविवार रात 10 बजे से मैं लाइव आ जाऊंगा। तो आप सभी जुड़ जाएं और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे, और वो भी रोने गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना नहीं, अधिकारों वाली प्रार्थना, सामर्थ्य की प्रार्थना, फायर प्रेयर, हीलिंग के लिए प्रेयर करेंगे, डिलीवरेंस के लिए प्रेयर करेंगे, प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रेयर करेंगे मेरे प्रियो, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, दुष्टात्मा से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, आर्थिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति, सफलता के लिए, संपन्नताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। वो सारी रुकी हुई आशीषें उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आशीष आप तक पहुंचे। सारी आशीषें आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, जिसको शैतान ने रोका, वो रिलीज होगी यीशु मसीह के नाम। सारे विषयों के लिए एक एक दुख के लिए प्रार्थना करेंगे। रात्रि में जब आप सोते हैं तो सपनों में दुष्टात्माएं आती है, विजिट करती है, अटैक करती है, शरीर पर, प्राण पर, आत्मा पर डिप्रेशन देती है। प्रार्थना करेंगे और आप देखना मेरे प्रियो, रात को जब आप सोएंगे तो आपको स्वप्न में शैतान नहीं परंतु स्वर्गदूत आएंगे, प्रभु आएगा, विजिट करेगा, दर्शन देखेंगे आप, आशीषित होंगे आप। मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना के बाद इतनी गवाहियां आपके जीवन में होगी, इतनी गवाहियां आपके जीवन में होगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात मुझे पवित्र आत्मा से पहुंची है, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो हम मिलेंगे मेरे प्रियो इसी रविवार रात 10 बजे लाइव, आप मेरे साथ में जुड़ जाएं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।